हेलो रन, गुड आफ्टरनून। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक, जिस पे हम चर्चा करेंगे। ये थ्योरी जो है वो आपको हेल्प करेगी समझने में कि किस तरीके से जो बिग माइंडसेट्स होते हैं वो होल्ड करते हैं अगर वो एक वैलिड लेवल है। तो यूजुअली क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो अपना जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे चलता है, आपको ये पता है, ये सपोर्ट है और ये है रेसिस्टेंस। सो इस केस पे समटाइम प्राइस डायरेक्ट ऊपर जाता है, ओके, और रेसिस्टेंस टच कर देता है, तो उसका जर्नी कंप्लीट, मतलब एक साइकिल है प्राइस का, वो कंप्लीट हो गया। अभी देर इज नो नो गारंटी कि प्राइस इसके ऊपर जाए चाहे रिवर्स हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने अपना जो टारगेट है रेसिस्टेंस में बुक कर लिया, हमारा काम खत्म, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके, तो अभी कभी कभी ऐसा होता है, इस टाइप से प्राइस जाता है ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ टच कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है इसको भी तोड़ दे, फिर वो ऊपर जा गया, वो अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोनों ये कंडीशन, अगर इसको हम बोल रहे हैं वन, इसको हम बोल लेते हैं कंडीशन टू, तो ये दोनों ही केस एक रेगुलर, बहुत ही इजी, मतलब रेगुलर चीज़ है जो आप लोगों को पता भी होगी, फिर भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ थॉट्स है इस पे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लेवल्स, इन लेवल्स को अगर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लें कि फर्स्ट वन इज़ द मेजर लेवल एंड सेकेंड वन इज़ द माइनर लेवल, अगर टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लें, तो मान लीजिए दिस वन इज मेजर लेवल एंड दिस वन इज मेजर लेवल, बट इसके बीच में कई सारे माइनर लेवल हैं, ओके, जहां पे प्राइस आप देख रहे हो रिएक्ट कर रहा है। ये इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि दीज आर माइनर लेवल्स, बट वी डोंट केयर अबाउट दीज माइनर लेवल्स अंटिल वी आर स्कॉल्पर, ठीक है। अगर आपको बीच में एंट्री चाहिए, आप सोचते हो कि मैं स्कॉल्प करूंगा, मैं जस्ट 10 सेकेंड वेट करूंगा और जो भी आएगा टारगेट निकल लूंगा, तो आपके लिए ये लेवल यूजफुल होए, ठीक है। बट अगर आप एक पेशेंटली, जैसे 1 मिनट चार्ट है ये वाला क्रूड ऑयल का, तो अगर ये दो सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं ड्रॉ कर लूँ, तो अगर कोई स्कॉल्पर है, ठीक है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट करता है और अपना टारगेट इस लाइन पे ही बुक कर लेता है, बट प्राइस गया इसके नीचे तक, फिर प्राइस आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो अगर फिर से किसी स्कॉल्पर ने यहाँ शॉर्ट किया, इधर बुक कर लिया, फिर से प्राइस गया सपोर्ट। ये जो रेंज हो गई, ये एक ऐसी रेंज है जो सिर्फ स्कॉल्पर्स के लिए यूजफुल होती है, क्योंकि मैं जो मेन ट्रेडर है, ट्रेड मेरा जो उद्देश्य होता है मेजर लेवल ए टू लेवल बी, तो लेट से दिस ग्रीन लाइन टू दिस ग्रीन लाइन, अगर ये एक वैलिड लेवल है, तो इस कंडीशन में इधर बीच में मेरा एंट्री लेना अलाउड ही नहीं है। बट अगर मैं स्कॉल्पर हूँ तो कहीं भी एंट्री ले सकता हूँ, मुझे जो रेसिस्टेंस मिलता है, जो सपोर्ट, क्योंकि स्कॉल्पिंग में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड किया जाता है और प्रॉफिट लेके जस्ट रन होना होता है। तो इस हिसाब से आई होप आप लोगों को दो टाइप्स के लेवल की जानकारी हुई होगी इस वीडियो से, कि एक तो होते हैं मेजर, दूसरे होते हैं माइनर लेवल, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस इस तरीके से चढ़े, एकदम फ्लैट चढ़े, बहुत ही रेयर केस में होता है, बट इस तरीके से प्राइस नहीं चढ़ता है, प्राइस अपने वेव्स में चढ़ता है इस टाइप से, ओके, चाहे रेंज भी हो सकता है, चाहे वो वेव्स में भी चढ़ सकता है, कई टाइप के सिनेरियो से चढ़ सकता है। बट तो ऐसा क्या होता है कि बीच में प्राइस रेंजिंग हो जाता है, वो इसलिए कि वो माइनर लेवल्स होते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरा जो लेवल्स का सिस्टम है वो तीन कलर्स में है, एक ग्रीन, एक ग्रे और एक रेड। तो इस हिसाब से इसमें माइनर लेवल्स भी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ मेजर लेवल भी हैं। तो लेट से कि दिस रेड लाइन, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो इस लेवल ए टू लेवल बी कॉन्सेप्ट इस कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, HS1, ओके। अब अगर कोई इन्वेस्टर है, उसने इस रेड लाइन पे शॉर्ट किया हुआ है और वो वेट कर रहा है, तो अगर देखिए, एक बिग माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि दो तरीके होते हैं, कि एक तो ट्रेल करना है, ट्रेल
ट्रेल करके आपका जो भी प्रॉफिट या एसएल हिट हो गया वो निकल गए, ठीक है। बट एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में सिर्फ टारगेट पे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है, ओके। वहाँ पे ट्रेलिंग नहीं होता है कि चाहे वो एसएल हिट हो जाए, एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे अगर एसएल है तो वो हिट हो जाए, वो चलता है, मंजूर होता है कुछ लोगों को, बट वो ट्रेल ना तो ट्रेल करते हैं ना ही वो इस ये बीच में जो एक्टिविटी होती है उससे उनको कोई फर्क पड़ता है। वो ये बोलते हैं कि मेरा टारगेट आएगा 100% श्योर, नहीं आएगा तो एसएल मेरा ले जाओ, ठीक है। बट ये जो रेंज है ना, अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल का एक लॉट भी लगाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। मान लीजिए आज 6,000 रुपये का एक लॉट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वही 6,000 वापस से 500 रुपये यहाँ हो जाता है, ठीक है। फिर वो 500 से फिर से 6,000 होता है, फिर वो 1,000 हो जाता है। तो इस कंडीशन में 95% जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल्स हैं, वो इसको गैम्बलिंग समझ लेंगे और वो फिर अपने आप को ये बोलने लगेंगे कि रिग्रेट होने लगेगा कि काश मैं यहाँ निकल जाता, ये वापस से 500 हो गया, मतलब मेरा एफर्ट वेस्ट हुआ, ओके। बट जो बिग माइंडसेट्स होते हैं उनके हिसाब से ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनी इज़ नॉट प्रायोरिटी है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में जो वर्ड रूल इन्वॉल्व है उसका ये मतलब है कि मनी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी है, इट्स अबाउट फॉलोइंग द रूल्स, इट्स अबाउट वेटिंग फॉर योर परफेक्ट टारगेट, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो देर इज जीरो इमोशनल वैल्यू। मान लीजिए ये एक अल्गो की ही कहानी समझ लीजिए, तो एक अल्गो है वो क्या देखता है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रेल करो या तो पूरा टारगेट लो, क्योंकि आप देखते हो नॉइस बहुत होता है यूजली कॉमोडिटी मार्केट में, और सिल्वर में ही देख लीजिए नॉइस बहुत होता है। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें काम होती है। अगर आप सोच रहे हो कि इस नॉइस में मैं छोटे छोटे मूव्स में डेली खेलूंगा तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इमोशन आ जाए। सो लोग क्या करते हैं कि एक एंट्री का पॉइंट जो होता है वहाँ एंट्री बना के बस वेट करते हैं, ये नॉइस से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे नो कि देयर टारगेट विल बी अचीव्ड। बट जो स्कॉल्पर हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है बीच में माइनर लेवल से, जैसे लेट्स से कि दिस इज ग्रीन कलर, यहाँ पे स्कॉल्प किया, ट्रेल किया और इधर ऐसे हिट हो गया, कुछ प्रॉफिट बना, इधर आया प्राइस, इधर बाई कर लिया, यहाँ तक ट्रेल कर लिया, तो मान लीजिए यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ प्राइस, ये ऐसे हिट हो गया, कुछ तो प्रॉफिट बना, अगेन यहाँ पे मान लीजिए बाई किया, ये छोटा सा एसएल चला गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बना, ठीक है, इधर सेल कर दिया तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना। दिस इज ऑल नॉइस इन टर्म्स ऑफ अ बिग माइंडसेट, और बिग माइंडसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बना लिया। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये हो सकता है आप लोगों को पता हो, ये पोजिशनल में अप्लाई होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट चार्ट बिकॉज मैं 1 मिनट ही फॉलो करता हूँ। क्रूड ऑयल में 5 मिनट भी अच्छा काम करता है, थोड़ी बहुत नॉइस कम होती है, बट डिपेंड करता है। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज आया था कि 1 मिनट में आपको नॉइस नहीं फील होता, अभिजीत जी ने पूछा था, तो उसका भी आंसर दे देता हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई सॉलिड सिस्टम नहीं है तो आप 15 मिनट पे भी करो तो भी वो आपको नॉइस दिखेगा, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ सॉलिड सिस्टम, लेट्स से दिस इज़ अ लेवल NS1 और यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, तो अगर यू आर फॉलोइंग 15 मिनट चार्ट तो आपको एंट्री बहुत देर से मिलेगी। अगर आप रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, ओके। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग 1 मिनट चार्ट NS1, तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, NS1 पे बहुत ही अर्ली एंट्री मिल जाएगी, ओके इधर मिल जाएगी जस्ट इसके बहुत पास में, बिकॉज यू सी अगर कोई भी सॉलिड लेवल है तो रिवर्सल जो होगा सबसे पहले 1 मिनट पे होगा, उसके बाद 3 पे होगा, फिर 5, 15, इस हिसाब से जो आगे के टाइम फ्रेम है उस पे होगा। तो फर्स्ट एंट्री आपको चाहिए या डिलेड एंट्री चाहिए, ऐसे तो डेली पे भी कर लो आप, ठीक है, बट आपका जो एंट्री लोगे हो सकता है उसमें लॉस भी बहुत बड़ा हो, एक दिन का पूरा फॉल वो आप सह सकते हो, पोजिशनल के लिए यूजली सही होता है, बट इंट्राडे में 1 to 5 मिनट इज सफिशियंट अंटिल यू डोंट नो, मतलब अगर आपको पता है कोई सॉलिड सिस्टम है
तो पहली सबसे पहले एंट्री जो पकड़ेगा वो 1 मिनट वाला, ठीक है। अगर आप सोचो कि ये जो नॉइस बीच में चल रही है, इस ये तो नॉइस है बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये नॉइस है, बट इससे हमारा क्या लेना देना। ओके, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइस बनती है, आई एक्सेप्ट डैट, बट मेरा तो काम है सिर्फ लेवल पे फोकस करना। ओके, बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। ये प्राइस फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर, ये तो नॉइस है, तो इससे क्या लेना देना मेरा। मैं तो जस्ट लेवल पे प्राइस आया, रिवर्सल पैटर्न बनाया, मैंने बाई कर लिया। ओके, मेरा काम खत्म। तो इसलिए मेरे लिए 1 मिनट चार्ट पे कोई नॉइस नहीं है, बट अदर पर्सन से की बात करें, जिसके पास लेवल ही नहीं है, जिसको थोड़ा डाउट है, तो बहुत बड़ी बड़ी नॉइस है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नॉइस के बारे में मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था। तो यही चीज़ थी कि एक ऐसा माइंडसेट अगर कोई बना ले, इट्स वेरी टिपिकल कि लोग 6,000 का प्रॉफिट देखने के बाद वापस 1,000 पे आ जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है लोगों से। और फिर यहाँ पे बीच में 3 4 दिन, तो उनको एक फीलिंग आ जाती है कि क्यों, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इस बीच में कई सारे प्रॉफिट बना सकता था, बट यूजली ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने शॉर्ट किया तो वो 100% टारगेट पे ही लेगा। इट्स काइंड ऑफ वेरी रिगिड एंड हार्ड रूल, बट इट्स रियली अ रूल डेट कैन एक्चुअली मेक यू सर्वाइव एंड अर्न वेरी नाइस इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। जो चीज़ें हार्ड होती हैं, जो हार्ड डिसिप्लिन होती हैं, वो ही एक्चुअली विन करती हैं, ठीक है। अगर आप स्कॉल पर हो तो वो अलग बात हो जाती है, बट ये जो रूल मैं समझा था लेवल ए टू लेवल बी का कॉन्सेप्ट, बीच में आपको कुछ भी नॉइज दिख रही है कोई मतलब नहीं, बिकॉज योर एसएल इज हेयर अंटिल इट्स हिट्स। ओके, जब तक ये हिट नहीं होता है तब तक आप ये सिस्टम मान ही नहीं सकता कि ये फेल हो गया है, इम्पॉसिबल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का एसएल यहाँ लगा हुआ है, इस अकॉर्डिंग से प्राइस कुछ भी कर ले, यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन इस एसएल को अगर काटता है तो उसके बाद ही ये फेल होगा, अदरवाइज ये टारगेट देगा ही देगा, आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, हो सकता है 10 दिन भी ऐसे रेंज पे चले कोई नहीं, बट टारगेट देगा। दिस इज वेरी हार्ड कोर रूल, और यही बताना था इस वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।